दोस्तों, पीपल का पेड़ हिंदू धर्म के अंदर बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान का वास होता है, इसलिए हिंदू धर्म के लोग पीपल के पेड़ को पूजते हैं। हिंदू धर्म के अंदर पीपल के पेड़ को पैर लग जाता है तो इंसान खुद को पाप का भागी समझता है। पीपल के पेड़ का अपमान करना भगवान के अपमान के बराबर माना जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाला इंसान पीपल के पेड़ को कभी नहीं काटेगा, चाहे उसे कितना भी धन का लालच दे दो। आप सपने में खुद को पीपल के पेड़ को काटते हुए देखते हैं तो आप खुद को बदकिस्मत इंसान समझेंगे। सपने में आप देखते हैं कि कोई पीपल का पेड़ काट रहा है और आप किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, आप चुपचाप देख रहे हैं, तो ये सपना आपके लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। ये सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आपकी वो इच्छा अधूरी रहने वाली है जिसकी आस में आपने वर्षों से इंतजार किया है। अगर आपको इस प्रकार का सपना आता है तो आप पूर्ण निराशा मत होए, आप हर रोज पीपल के पेड़ पूजा करें जिससे आपका दोष खत्म हो जाएगा और आप हरी भरी जिंदगी फिर से जीने लगेंगे। आप सपने में खुद को अपने हाथों से पीपल के पेड़ को जड़ से काट रहे हैं तो ये सपना आपके लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस सपने के अनुसार आने वाले समय में आपको बहुत बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप पहले से किसी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं तो वो व्यवसाय डूब जाएगा। अगर आप इस सपने के बाद किसी प्रकार का व्यापार या व्यवसाय शुरू करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके व्यापार के सारे पैसे डूब जाएंगे, आपके पैसे को लोग उधार लेकर चले जाएंगे और समय पर आपको वापस नहीं लौटाएंगे। अगर आप किसी प्रकार की नौकरी करते हैं, उस दौरान आप सपने में खुद को पीपल का पेड़ काटते हुए देखते हैं तो ये सपना आपके लिए इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपकी नौकरी खतरे में पड़ने वाली है। आपको हरदम नौकरी छूटने का डर लगा रहेगा। तो दोस्तों, इस सपने के बाद आपको समझदारी से काम करना चाहिए। हो सके तो आप अपने गुस्से को नियंत्रण रखें ताकि मामला और ज्यादा ना बिगड़े। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।